अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। बा, पर आप ये लेप क्यों लगा रही हैं? अंबिका वो पंडित जी के साथ सूरज की अस्थियां लाने गई हैं। वो आएंगी तो यहाँ शांति पूजा होगी, उसके बाद ही अस्थि विसर्जन के लिए जाना होगा। मेरे बेटे की अस्थियों का विसर्जन अभी नहीं होगा बा। अंबिका वो ये क्या बोल रहे हो तुम? जब तक मेरे बेटे की कातिल को सजा नहीं मिल जाती, मैं ये अस्थि कलश विसर्जित नहीं करूंगी। ये गलत होगा अंबिका वो, हमारे सूरज का अंतिम संस्कार ठीक से होना चाहिए। और किसे पता अदालत को अपना फैसला सुनाने में कितना समय लगेगा। मैं जानती हूँ बा, लेकिन मैंने अपने बेटे से एक वादा किया है। जीते जी तो उसे इंसाफ नहीं दिलवा पाई, लेकिन अब उसकी मौत के बाद उसे उसके हिस्से का इंसाफ जरूर मिलेगा। और तब तक उसकी इस निशानी को मैं अपने साथ अपने कमरे में रखूंगी। और इसमें मुझे अपने घर वालों के सवाल नहीं, आप सबका साथ चाहिए। तुझे आराम की जरूरत है। आज से तेरा काम ये गज्जू दादा करेंगे और यहाँ तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। आज के बाद तू आराम कर बस। गज्जू दादा ले आए। ले ले पी पी बच्चा। देख तेरे चोट पे मरहम तो नहीं लगा सकती, लेकिन जो हो सकेगा मैं करूंगी। अब पी। शाबाश। शाबाश। अब देखती हूँ कज्जू के इस बार से कौन बचाएगा तुझे। मेरा विश्वास आप में तब तक दोबारा नहीं जगेगा जब तक मेरे बेटे की खूनी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती। आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं भाभी। भाभी आपका दुख इतना बड़ा है हम चाहकर भी नहीं बांट सकते, लेकिन सूरज हमारा भी बच्चा था और उसके हत्यारे को हम मिलकर सजा दिलवाएंगे। लेकिन भाभी उसके लिए आपको आपको बाकी के घर वालों पर भी नजर रखनी होगी। खुलकर बोल हेतल। भाभी कबीर केसर को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जेल गया था उससे मिलने और वकील से भी मिलने गया था। आपको उसे रोकना होगा भाभी।
आप कबीर को अपनाइए या मत अपनाइए, ये आपका फैसला है। मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। लेकिन जिसने हमारे सूरज को मारा है, उसके कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ने चाहिए। उसके लिए परेशान मत हो जिनल भाभी, वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो दोबारा घर में कैसे आ पाएगी। भाभी प्लीज, सूरज की खातिर कबीर से बात कीजिए। उस लड़की को पहले मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि हम एक नागिन को पाल रहे हैं जो इस घर के चिराग को ही डस लेगी। भाभी आप कबीर से बात कीजिए और समझाइए उसे कि राजगौर निवास का कोई भी सदस्य उस कातिल से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मैं कबीर से कोई बात नहीं करूंगी। जिसकी आंखों में मेरा बेटा काटा बनकर छुपता था, उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। पर हां, उस लड़की को मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं वकील से बात करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार मेरे प्लान में सारे घर वाले अपने आप साथ आ गए हैं। शाबाश शेरदर, क्या प्लान बनाया है तूने। अब जो भी मेरे और राजकौर परिवार की जायदाद के बीच में आएगा, एक एक करके जिंदगी के रास्ते से हटता चला जाएगा। बड़ा सूर, दूर जावा ना, मैं तुझे मार दूंगी, मैं धक्का दे दूंगी तुझे। सूर दूर हो जा, चुप हो जा सूरज, मेरे कान में जाओ यहां से, और मैं तुम्हें मार दूंगी, मार ही धक्का दे दूंगी मैं तुम्हें। चुप हो जा सूर, चुप हो जा। सूरज, 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 सूरज कहाँ है? सूरज, 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 मुझे सजा दो सूरज, मुझसे गुनाह हो गया सूरज। मैंने मार दिया आपको, मैंने आपको पहला आपको धक्का दे के मार दिया सूरज, प्लीज मुझे सजा दीजिए सूरज। वाह हेतल, सो वाचे, एक तीर से दो दो शिकार। पहले सूरज की नकली मौत को प्लान करने में उसका साथ दिया और फिर उसे ही धोखा दे दिया ताकि उसकी नकली मौत असली मौत में बदल जाए। केसर को जेल भेजवा दिया और अब पागल खाने भेजवा रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।